हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष किचन। आज हम समोसा बनाएंगे जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए हमने यहाँ 250 ग्राम मैदा लिया है, जिसे हम मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। आधा चम्मच अजवाइन लेंगे, जिसे हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक और 4 चम्मच तेल डालेंगे मोइन के लिए। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे। तेल को मैदा में अच्छी तरह से मिलाना है और इसे तब तक मिलाएंगे जब तक तेल मैदा में अच्छी तरह से मिल न जाए। आप देख सकते हैं कि इसका लड्डू जैसा बंधने लगा है, इसका मतलब है कि यह अच्छी तरह से मिल चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गूथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही इसे गूथना है, नहीं तो इसका डो गीला हो जाएगा। डो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम ढककर रख देंगे और जब तक यह सेट होता है हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हमने 7-8 उबले हुए आलू लिया है, जिसे हाथों से मैश कर लेंगे। और ये मूंगफली है, जिसे हमने भूनकर छील लिया है। आप इसे बिना छिलका उतारे भी डाल सकते हैं। सौंफ है, जीरा, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये हल्दी पाउडर है। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। पैन गरम हो गया है, इसमें सबसे पहले हम सौंफ और जीरा को डालकर भून लेंगे। जीरा जब चटकने लगे और इसे खुशबू आने लगे तो इसका मतलब है कि यह भून चुका है। इसे हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा करके इसे दरदरा पीस लेंगे। अब फिर से इसी पैन में तेल डालेंगे। अब इसमें बादाम भुना हुआ है, इसलिए इसे भूनने का जरूरत नहीं है। अब इसमें हम इन सभी मसालों को डाल देंगे, ये काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये सौंफ और जीरा को, जिसे हमने भूनकर दरदरा पीस लिया है, इसे भी डाल देंगे। अब इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। जब मसाला भून जाएगा अब इसमें हम ये आलू को डाल देंगे, मैश किया हुआ आलू को। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब आलू को अच्छी तरह से भूनना है, करीब 5 से 10 मिनट इसे हम भूनेंगे। आप इसे ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हैं। आलू को हमने 10 मिनट तक करीब भून लिया है और अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसे हम गैस से उतार लेंगे और अच्छी तरह से ठंडा करके समोसा में फिल करेंगे। डो सेट हो गया है, इसका हम लोई बना लेते हैं। लोई हमें इतना बड़ा बड़ा बनाना है, इससे 2 समोसा बनेगा। ये हमने लोई बना लिया है और ये समोसा का फिलिंग है, ये भी ठंडा हो चुका है। तो इसका भी हम पहले इस तरह से बॉल बना लेते हैं। बॉल भी हमने बना लिया है, अब लोई को हम बेलेंगे। इसे बड़ा रोटी जैसा बेलना है, लेकिन गोल नहीं बनाएंगे, ऐसे लंबा बनाएंगे। अब इसे बीच से कट कर लेंगे। पानी लगाएंगे यहाँ पर। अब इसे इस तरह से इसे मिला देंगे। अब इसमें इस बॉल को डालेंगे, यहाँ पर पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इसे मिला लेंगे। देखिए समोसा बन चुका है। इसी तरह से सारा समोसा हम रेडी कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम समोसा को डालेंगे। और इसे थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। अब इसे पलट देंगे। इसे हम चलाते ही रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए और इसका कलर भी सभी तरफ से सेम रहे।
देखिए इसका कलर अच्छा ब्राउन कलर हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और सभी समोसा को इसी तरह से हम छान लेंगे। देखिए गर्मा गर्म समोसा बनकर तैयार है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।